नमस्कार दोस्तों, स्वर्णा की रसोई में आपका स्वागत है। इमली की चटनी तो आपने बहुत खाई होगी। आज हम बनाएंगे अमचूर से खट्टी मीठी चटनी। इसे आप इमली के फल, खजूर और कच्चे आम से भी बना सकते हैं और इसे पकौड़े, समोसे, टिक्की, चाट के खाने में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी तो आपने बहुत खाई होगी। आज हम बनाएंगे अमचूर से खट्टी मीठी चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम अमचूर लिया है और इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और इसे घोलेंगे जब तक इसकी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाएं। गैस को ऑन कर देंगे। इस खट्टी मीठी चटनी को आप टिक्की, समोसे, चाट, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं। गैस को ज़रा ज़्यादा कर देंगे। मैं इसमें 1/2 चम्मच सादा नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच मैं इसमें सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। इसे हम 10-15 मिनट पकाएंगे, उसके बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। इसमें मैं खरबूजे के बीज की गिरी डाल रही हूँ। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने खजूर, इनको मैंने इस तरह से काट लिया था, वो डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैंने किशमिश भिगो दिया था, इनको वो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने 200 ग्राम ली है। मैं इसको जब घुल जाएगी, टेस्ट करने के बाद अगर कम होगी तो और डालूंगी। वैसे तो 50 ग्राम अमचूर में 100 ग्राम ही बहुत है। इसमें आप केले को भी डाल सकते हैं, लेकिन जब ये बन जाए और ठंडी हो जाए, और अनार के दाने भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गैस ज़्यादा कर देते हैं। 10 मिनट इसे हो गए हैं, ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब 5-7 मिनट इसे और पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, चटनी हमारी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये थी हमारी अमचूर से खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।